आर्थिक हालात को देखते हुए एसबीआई के गवर्नर ने हाल ही में बैंकों को अलर्ट किया है। दरअसल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ बातचीत में आरबीआई ने कहा, मौजूदा आर्थिक परिस्थितियां कुछ चुनौतियां खड़ी कर सकती हैं, इसलिए बैंकों को पूरी ताकत के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से कहा गया कि गवर्नर ने बैंकों से कहा कि वो उभरती चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद रहें। इस मामले में उन्होंने खास तौर से दबाव वाली संपत्तियों के समाधान में समन्वित तरीके से काम करने को कहा। ये सब आरबीआई गवर्नर ने ऐसे समय पर कहा जब देश की घरेलू उत्पाद जीडीपी ग्रोथ 6 साल के सबसे निचले स्तर पर है। आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 4.5% पर पहुंच गई है। इन सबको देखते हुए हाल ही में आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष की आर्थिक वृद्धि का अनुमान भी कम करके 5% कर दिया है। दरअसल आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस बात पर भी गौर किया कि बैंकिंग क्षेत्र में सुधार आ रहा है और ये मजबूत बना हुआ है। साथ ही शक्तिकांत दास ने बैंक प्रमुखों के साथ रेपो रेट में की गई कटौती का लाभ आखिरी लाभार्थी तक पहुंचाने पर भी विचार विमर्श किया है। बता दें कि केंद्रीय बैंक ने बीते सप्ताह की गई समीक्षा में रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन आरबीआई ने महंगाई को लेकर चिंता जरूर जाहिर की है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि होली तक लोगों को महंगाई से राहत नहीं मिलेगी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।